जूनियर एडेड हाई स्कूल की परीक्षा में एक नया मोड़ आ गया है, बिल्कुल एक नया मोड़ आ गया है। न्यूज चैनल की तरह मैं बता रहा हूँ, एक जो अभी अभी खबर निकल के आ रही है, अर्हता सहायक शिक्षक भर्ती में दूर हुई अड़चन, पीछे आप देख सकते हैं आराम से। इसमें बताया जा रहा है कि जो जूनियर स्कूल के 1504 और 390 पदों पर अड़चन दूर हो गई। अड़चन ये थी कि मेरिट कैसे बनाई जाए। ये पहले तो बताया गया था कि तीन सब्जेक्ट हो गया, एक तो हो गया मैथ साइंस, एक हो गया भाषा और तीसरा हो गया था किसका, एसएसटी का। तो अब समस्या ये आ रही थी कि मेरिट कैसे बने, तीन सब्जेक्ट की भाषा की अलग, लोगों सब लोगों ने अनुमान लगाया था, 100% अनुमान लगाया था कि मेरिट अलग बनेगी। लेकिन मैं ही एक अकेला यूट्यूबर था जिसको एक शक था कि मेरिट एक ही बनेगी, क्योंकि मैं इसकी आपको क्लिप दिखा रहा हूं, एक महीने पहले की वीडियो आप जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, डेट एक महीने पहले की है। मैंने एक पॉइंट रखा था कि एक ही बन सकती है मेरिट, तो मुझे कमेंट आए थे बच्चों की कि पागल हो गए हो क्या भैया, एक मेरिट कैसे बनेगी। एक जो मेरी मतलब फैन थी वो कह रही सर आप पागल हो गए, सर आप ऐसी वीडियो बना रहे, एक ही मेरिट कैसे बन सकती। तो मैंने ये पूछा था किससे, क्योंकि जो जूनियर एडेड में टीचर है उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि चांस हो सकते हैं एक मेरिट के। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि एक ही टीचर रहता है, वही भाषा सा सब हो जाता है इस तरह से। लेकिन एक अलग ही मुद्दा बना दिया था इन लोगों ने कि तीन सब्जेक्ट रख दिए, तीन मेरिट बनेगी। तो अब मैं जब तीन अलग दिख रहे हैं तो मैं पूरी तरह से खुल के उस पर बात ही नहीं कर पाया, कि मुझे लगा कि फालतू में बच्चे गलत कॉमेंट करेंगे। लेकिन आज वो बात सच हो गई। पहले आप मेरी क्लिप देख लीजिए, फिर मैं उसके बाद में आपको बता रहा हूँ उसके बाद मेरिट के बारे में। ठीक है, दूसरी बात है एक ही मेरिट बनेगी, तो जी हाँ इसके बहुत ज्यादा चांस है कि एक ही मेरिट बनेगी। मैंने इसके बारे में सर्वे करा है, कई सारे जूनियर हाई स्कूल के जो एक टीचर थे उनसे भी डिस्कस करा है, तो उनका मानना था कि भाषा का एक ही टीचर होता है। पहले तो वो ये बोले हमसे कि भाषा का एक ही टीचर होता है, ऐसे नहीं होते कि स्कूल में तीन टीचर भाषा के हो, इंग्लिश का भी, संस्कृत का भी, हिंदी का भी। ठीक है, और तो ये इसके भी बहुत ज्यादा चांस है कि एक ही मेरिट बनेगी। जी हाँ, मतलब लैंग्वेज वालों की भाषा हो या आपका एसएसटी हो या मैथ साइंस हो, ठीक है, तो इनकी एक ही मेरिट बन सकती है, एक ही मेरिट बन सकती है। ये मत सोचें आप कि इनकी अलग मेरिट जाएगी, मैथ साइंस वालों का अलग जाएगा भैया, कि मैथ साइंस है तो आपके 72 होने चाहिए, हिंदी है तो आपके 75 होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्यों, इसके चांस और इससे बढ़ जाते हैं कि जैसे उन्होंने सोचा कि आर्ट वालों का गुणांक कम होता है, तो जो हिंदी और संस्कृत अदर पेपर थे वो थोड़ा उनका लेवल ठीक था। इसके बाद मैथ वालों के कई सारे गुणांक बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके बैठे हैं, तो इसके लिए वो पेपर टफ बनाया गया जिससे वो वापस लेवल पे आ जाए। तो लेवल पे लाने का केवल यही मतलब है कि एक ही मेरिट बनाया जाए, क्योंकि एक ही मेरिट बनने के चांस इसलिए क्यों है, अगर आप बीटीसी में पहले देखा जाए तो आर्ट वालों का अलग गुणांक बनता था, लड़कियों का अलग गुणांक बनता था, लड़कों का अलग बनता था, लेकिन यूपी गवर्नमेंट जो पीएनपी कराती है, पीएनपी ने सारों को मिक्स कर दिया कि ना लड़कियों का अलग बनेगी मेरिट, ना आर्ट वालों की, एक ही मेरिट जाएगी, चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे आर्ट का बच्चा हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसके नंबर ज्यादा वही सिलेक्शन पाएगा। तो एक ही मेरिट बनने के चांस बहुत ही ज्यादा है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो क्लिप देखते हैं, इसमें लिखा है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्नातक स्तर पर विषय की बाध्यता को हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर के आदेश में रद्द कर दिया है। इसका फायदा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की भर्ती में भी होगा। तो दूसरा केस चल रहा था, उन्होंने विषय की बाध्यता को खत्म कर दिया है स्नातक स्तर पर, मतलब टीजीटी वालों के लिए, जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में स्नातक स्तर पर परीक्षा होती थी, उसको हाईकोर्ट ने जो फैसला दे दिया उसका ही यूज कर रही है, क्या करेगी, जूनियर एडेड वाले। इसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार ने 6 से 8 तक एडेड जूनियर के लिए अलग से लिखित परीक्षा करवाई थी, पैर और मेरिट विषय वाय न बनाकर राज्य स्तरीय एक ही मेरिट बनाई जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को विषय वार अलग अलग मेरिट नहीं निकालने पर विवाद की आशंका थी, क्योंकि बहुत उन्हें समस्या भी आ रही थी कि अलग अलग मेरिट बना रहे, तो अब एक ही मेरिट जाने वाली है। जी हाँ, एक ही मेरिट, अब जिसके नंबर ज्यादा होंगे वही इसका फायदा लेगा। ये नहीं कि मैथ साइंस वालों का टफ आया था तो भैया उनका कब मेरिट जाएगी, अरे कुछ नहीं हो रहा यार। इसमें फायदा कौन ले गया, इसमें फायदा वो ले गया जो चतुर थे। चतुर कैसे थे, ऐसे कुछ मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने कहा यार मैथ साइंस बहुत मुश्किल है, तो उन्हें हिंदी भर दिया था हिंदी। अब ऐसी कोई बाध्यता थी नहीं कि आप ग्रेजुएशन मैथ साइंस लिए तो मैथ साइंस ही दो, हिंदी से भी दे सकते थे, तो उनकी मेरिट बढ़िया थी, वो हिंदी से पेपर दिया तो यहाँ नंबर भी अच्छे आ गए, 110, 112, 115 तक। अब मैथ साइंस वाले हम 105, 106 इतने पे खत्म हो गए, मेरिट से कोई मतलब, तो
ये हमें मुश्किल हो गई। अब इसका फायदा ना एसएसटी को मिलेगा ना विज्ञान वालों को, आर्ट वाले तो उनकी मेरिट कम थी, ये सबसे ज्यादा फायदा ले जाएगी भाषा वाले। तो भैया जो भाषा वाले थे वो चतुर थे तो उनने भाषा भर के फायदा ले लिया, और जो हम लोगों जैसे थे तो फंस गए। आर्ट वाले सोच रहे थे भैया हमारी मेरिट कम है तो हम लोगों की मेरिट कम जाएगी, लेकिन नहीं, क्योंकि आशंका मुझे क्यों थी, आशंका इसलिए थी क्योंकि डाइट में भी ऐसा होने लगा है ना, लड़कियों की अलग मेरिट जाती है ना आर्ट की ना साइंस की, तो मुझे आशंका थी कि ऐसा ना हो एक ही मेरिट चली जाओ। वही आशंका सच हो गई, एक ही मेरिट जाने वाली है। तो अब इसमें फायदा किसको मिल रहा है, अब इसमें फायदा भाषा वालों को मिल रहा है, भाषा में भी उन लोगों को मिल रहा है जो मैथ साइंस के बच्चे थे, भाषा भर दिया था। तो अब आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए, सरकार क्या चाहती है ये भी कमेंट करके बताइए। पंगा हो गया भाई पंगा, और जल्दी इसकी एक ही हफ्ते में मतलब जल्दी आने वाला है इसका रिजल्ट, मतलब जो भी फाइनल रिजल्ट हो ही गया है, मतलब इसके फॉर्म फिलिंग होंगे फिर आगे की प्रोसेस होगी, तो जल्दी होने वाली है क्योंकि चुनाव के पहले पहले खत्म होनी है सारी चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपनी राय बताइए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।